हमने देखा व्हाट्सएप पे, तो हमने कहा भाई इतना टाइम नहीं रहता, जब कभी 10-15 दिन में लगता है थोड़ा टाइम है तो फिर व्हाट्सएप खोल के देख लेते। तो उसने हमको बताया व्हाट्सएप पे आया है रेमंड का जो एक मालिक है, रेमंड मिल का, जो आप कपड़े बनते हैं रेमंड के, रेमंड मिल का जो मालिक है उसका आया है व्हाट्सएप पर। क्या उसने 2002 में या 4 में अपने बेटे को कितने अरब संपत्ति लिख करके दे दिया, और अब बेटा क्या बोलता है, गेट आउट, उसने निकाल लिया अपने और वो बाप आज कार में बैठने वाला, सुख शांत से रहने वाला, आज वो कहीं नौकरी करता है, बसों में घूमता है, उसने जो हमको बताया। तो अब सही है गलत है ये भगवान जाने, उसने हमें, तो हमने कहा भाई अगर आप बड़े लोग अज्ञान में रहोगे तो ये होगा ही होगा। हम हर आने वाले व्यक्ति से कहते हैं बेटों के हाथ में सब मत दे देना, अपनी पत्नी और अपने लिए 20-40 लाख जरूर रखना आप जी, और नहीं रखोगे तो आखिरी में आप बद्दुआएं दोगे या अशांति रखोगे, बेटा ऐसा बहू ऐसा, इसलिए रख लो चुपचाप, तो बद्दुआएं शांति तो खत्म हो जाएंगी ना, जीवन आपका सुधर जाएगा, अरे जीवन खुश हो जाएगा। इसलिए अज्ञान मत करो, व्हाटएवर स्वप्न नो दोगे ये ईश्वर की माया है, कभी भी घूम जाती है। और अगर दिया है तो रो मत, हाय हाय मत करो, फिर जिस हाल में हो उस हाल में खुश रहो। कर्तव्यनिष्ठ बने, जो आपका कार्य है धन से सेवाएं करें, जो आपका हिस्सा भगवान का बनता है, और मन क्या करो, मन देने के लिए भगवान ही एक चीज। संत आशाराम जी का एक वाक्य है, ईश्वर के अतिरिक्त अगर कहीं आपने अपना मन दिया आपको रोना ही रोना पड़ेगा। इसलिए मन मनमोहन को दीजिए, मन दुनिया को मत दो, मन ईश्वर को दो। हम लोग सब अज्ञानी मंदिर आएंगे, पाठ पढ़ेंगे, जल चढ़ाएंगे, तन भी संसार को, धन भी संसार को, मन भी संसार को, फिर जीवन खराब होगा कि नहीं होगा, जरूर जीवन खराब होगा। जीवन जीने की कला है उस रामदास दर्जी के जैसा, कर्तव्य निष्ठ है, धर्म का खाता करता है, और बड़े प्यार से मन ओम नमो भगवते वासुदेव। हुआ क्या, धीरे 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 उसके मन में मनमोहन आते गए। भगवान हमारे दिल में बैठे, आपका वो सबूत क्या है? सब तो हम लोग चिल्लाते भगवान 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 भगवान, आपके पास है सबूत बताओ, आप है सबूत। परसों टॉपिक है ये, सब हम चिल्ला रहे मंदिर जा रहे हैं, सोमवार व्रत, आज ये करना है, आज ये है, ये है, गुरु बनाया, आप सब करो, भगवान आपकी पकड़ में है, आप सबूत बताओ इसकी पकड़ क्या। भगवान हमारे पास रहता है, भगवान हमारे दिल में रहता है, भगवान हमारे साथ रहता है, इसका सबूत क्या है? आप खुश रहोगे हर हाल में, शांति का झरना बहता रहेगा, संतोष रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, अपने आप में ही आनंद रहेगा। किसी की गुलामी नहीं करोगे, किसकी गुलामी करोगे? उस ईश्वर की गुलामी करोगे। ईश्वर आपके पास है, ये सबूत है, संतोष, शांति, प्रसन्नता, सेवा, आनंद, फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब आपके पास आएगा। आज वो रामदास दर्जी क्या बात है, मन के अंदर ठाकुर समा रहे हैं, क्योंकि तन भी पवित्र है, धन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, लेकिन अब गांव के सब लोग उसको कहने लगे भगत जी क्या कहने लगे, भगत जी, आपको कोई कहता है भगत जी? चाहिए बेच लगाओ, टोपियां पहनो, ऑरेंज कपड़े पहनो, कोई कहता है भगत जी? भले झूलेलाल गाओ, कृष्ण गाओ, राम गाओ, शंकर भगवान, सारी जिंदगी मैंने आपसे सवाल किया, आपको समाज क्या कहता है ये ढूंढना कभी आप इसका। क्या
क्या समाज ने आपको सेवाधारी कहा कभी? समाज ने आपको भक्त कहा कभी? संत कहा? भक्त अगर समाज आपको कह दे खुश हो जाना, मेरे जीवन की कमाई साथ। अगर हम भक्त हैं, सेवाधारी हैं, धर्मात्मा हैं, भजनानंदी हैं, आपको अपना प्रचार नहीं करना पड़ेगा। भगवान ऊपर से ही डिग्री दे देगा, भैया भगत है ये तो। अन्यथा तो अभी सब लोगों की इमेज कैसी है? अरे भजन अंदर है बाहर कुछ है, बाहर भजन है अंदर कुछ है, सब ठगते हैं यहाँ पर। सच पूछो तो शर्म आती है ये सुनकर। अगर आज हम इस शहर में बड़े बड़े जो दिग्गज है, धर्मात्मा है, नेता है, जो आप जिस ओहदे पर हो, धर्मात्मा हो, अगर हम किसी के लिए गलत सुनते हैं तो मन में क्लेश उत्पन्न होता है कि आज ये इमेज क्यों। अगर आप भक्त हो तो भक्त दुनिया कहेगी। समाज में अगर अच्छे हो इसलिए जो आप है वो अपनी सम्मान को बनाए रखो दुनिया। उस रामदास दर्जी को सब क्या कहते? भगत है, भगत है, भगत है, और वो प्रसिद्ध हो गया भक्त दर्जी। सब सम्मान ईश्वर देता है लेकिन क्या करता है, समाज में कहीं ना कहीं से हमको गालियां भी दिलाता है, उपहास भी दिलाता है, गालियां भी दिलाता है। पड़ोस में एक रहता था दूसरा दर्जी, वो रोज इनको गाली सुना के जाता। कभी कचरा फेंक के जाए, गाली सुना के जाए, कुछ न कुछ कह के जाए, उनको मकान के अंदर आग लगा दे, पानी गिरा दे, लेकिन रामदास अपनी मर्जी में जिया हलाई तिया। वाह, भगवान का दास कभी ना हो उदास। जो भगवान का दास है वो कभी ना हो उदास। जो हो रहा है, कभी कभी भक्तों को बाहर की क्रियाएं एक अंतर मन को कचोट देती है, लेकिन भक्त शांत रहता है। जो हो रहा है वो तेरी मर्जी। रामदास दर्जी शांत रहते हैं। अरे कोई निंदा करता है करने दो, कोई ईर्ष्या करता है करने दो, कोई गलत शब्द कहता है करने दो, ध्यान नहीं दिया करो इन सब बातों पर ज्यादा। आप अपने अंतर मन पे ध्यान दो, मैं आखिर किस तरह से जीवन जी। हुआ क्या आखिर, पड़ोसी ने जब हार गया उसको तंग करते करते, एक दिन पड़ोसी ने सोचा इसकी कमजोरी है सिलाई मशीन। इसकी कमजोरी क्या है? सिलाई मशीन। इस मशीन से ये कमाता है, धर्म करता है और ओम नमो भगवते। इसकी मशीन ही चोरी कर दूं, ये मेरे मोहल्ले से उठ करके चला जाए। पड़ोसी ने क्या किया, आधी रात को उस दर्जी भगत के यहां से मशीन चोरी कर लिया। जब प्रातः काल हुआ और भक्त अपने नित्य क्रिया संपन्न करने के पश्चात जब आया अपनी गद्दी पर मशीन के लिए, तो वह सिलाई मशीन गायब। अब सोचे क्या करूं, भगवान कृष्ण से कहा जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। अगर इस जगह हम लोग हो क्या बोलेंगे, भगवान को छोड़ दिया। जिस दिन ये विचार मन में आए भगवान को छोड़ दिया, माना समझ जाओ आप खुद छूट गए उसके पंजे से। जिस दिन आपके अंदर ये विचार आएगा आप भगवान नहीं, भगवान ने क्या किया, भगवान से छूट गया, विश्वास हिल गया, उस दिन भगवान छूटा कि नहीं छूटा, लेकिन भगवान के कृपा से आप जरूर छूट जाओगे। इसलिए भगवान से सावधान, जागरूक, ईश्वर के सामने कान पकड़ करके माफी मांगा करो। जिया हलाई तिया। वैसे भी आप जो चाहोगे वैसा तो कभी नहीं होगा, वो जो चाहेगा वैसा ही होगा। इसलिए उसको गाली नहीं दिया करो, प्रेम से दिया करो, उलाहना मत दिया करो, गाली गलौच मत दो, उसके सामने माफी मांगा करो। लेखे कबहु न छूट ही खिन खिन भूल हारे बक्षण हारा।
नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंसान पग पग पर भूल कर रहे हैं, पग पग पर हम लोग गलतियां कर रहे हैं। हे दातार, तू बख्शा रहा है, मेरे गुनाहों को मत देखना, अपनी रहमत की वर्षा बरसाना। तो रामदास उस भक्त दर्जी ने कहा, कोई बात नहीं, जिया हलाई, ठाकुर जी जो तेरी मर्जी, कोई बात नहीं। सिलाई मशीन गई, अब सुई से ही वो अपना सीने लगा कपड़े, ओम नमो भगवते वासुदेव। क्या बात है, फिर भी लोग उससे अपने कपड़े सिला, उसके नाम पर अपने को समर्पित करके देखो, वो सब व्यवस्था करेगा। सब आप ही करोगे तो फिर भगवान की क्या महिमा है। आप समर्पित तो हो जाओ, फिर देखो जीवन का भार भगवान खुद उठाएगा। और वो भक्त अपना सिलाई मशीन सुई से सिलने लगा। इधर भगवान ने सोचा, मेरा भक्त इतना कष्ट में, भगवान को भक्तों का दुख नहीं देखा जाए। जो उसके हम भगवान को माने और भगवान हमको भक्त कहे तो ठप्पा बराबर। हम ये कहे भगवान मेरा मेरा, अरे भगवान भी तो कहे ये भगत हमारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर। सारी जिंदगी मीराबाई ने क्या, मेरे तो गिरधर। और जब आखिरी में गई है, सबसे आखिरी में भगवान के पास, कृष्ण सारी जिंदगी तो मैंने कहा मेरा गोपाल है, अब ये बताना दुनिया को हम तुम्हारे हैं कि। और आखिर में मीराबाई कहां समा गई, उनकी शव यात्रा नहीं निकली, उनकी हड्डियां नहीं मिली, मीराबाई कहां समा गई, कृष्ण के अंदर। और आज भी द्वारिकाधीश में जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, दो चुनरी के कोने लटकते हैं, तो हमने पूछा ब्राह्मण से, ये दो चुनरी कौन कौन है, बोले एक श्री राधा जी है, एक मीराबाई है। साक्षात ठाकुर के अंदर समा गई। उन्होंने सारी जिंदगी कहा मेरे गिरधर गोपाल, अरे भगवान भी तो मेरा बनाना चाहिए ना, तो ही जाकर ये भक्ति का सुंदर आनंद होगा। आज बड़े प्यार के साथ भगवान को सहन नहीं हुआ अपने भक्त का दुख, भगवान ने उसका परिणाम दिया पड़ोसी को, उसके हाथ में फोड़ा हो जाता है। क्या हो गया, फोड़ा हो गया, और उसमें गंदगी भर गई। पैसे वाला तो था, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैसे वाले को अपनी गलती जल्दी नहीं दिखाई दी। वैसे भी संसार में अपनी कमी जल्दी नहीं दिखाई पड़ेगी, कमी तब दिखाई पड़ेगी जब ईश्वर कृपा करे। उसको हाथ में एक हथेली पर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, आया डॉक्टर के पास, 2000 लगेंगे, कोई बात नहीं, 5 दिन की दवाई। डॉक्टर क्या बोलता है, ये लो इंजेक्शन लगा देना, 5 दिन की दवाई रखो, 200-500। और हम लोग भी खुशी खुशी देख कर मदे डॉक्टर के दिखाई आई। तो डॉक्टर ने दवाई दिया, अब 2-4 दिन हुए, लेकिन क्या उसका फोड़ा और बढ़ता चला, क्योंकि वो फोड़ा उसकी देह का फोड़ा नहीं है, किसी के पाप कर्म का फोड़ा। जो उसने किसी को दुख दिया है वो उसको कष्ट है। किसी को अगर हम दुख देते हैं, उसे माफी मांग लिया करो, बस आपका तकलीफ खत्म हो जाए। आया 5 दिन के बाद, डॉक्टर ने कहा भाई क्या